हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सिने टीवी ओडिशा। तो फ्रेंड्स, आज आम वीडियो रे डिस्कशन करिबा 8 अगस्त 2021 रो किछ मोस्ट इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर्स उपरे। तो फ्रेंड्स, यही वीडियोटी आरआई एसआई कॉन्ट्रैक्चुअल हाईस्कूल टीचर एंड ओएसएससी एग्जाम पाई मोस्ट इम्पोर्टेंट रहिबो। तो फ्रेंड्स, एथरे आम डिस्कशन करिबा आज टॉप 11 करंट अफेयर्स सहित आप गोटे क्विज रही तार आंसर कमेंट सेक्शन में जनइबे कौन हम करेक्ट आंसर। तो फर्स्ट क्वेश्चन रही, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट फीमेल डायरेक्टर ऑफ द जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इन 100 इयर्स। तो कौन कही वर्तमान आमर जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया गोटे ऑर्गेनाइजेशन गोटे संस्था तार 100 वर्ष है, 100 वर्ष पर किए गोटे फीमेल डायरेक्टर महिला डायरेक्टर रूपे नियुक्ति पाई। तो ये करेक्ट आंसर होची ऑप्शन नंबर डी, धृति बानर्जी। धृति बानर्जी जी कि प्रथम महिला डायरेक्टर जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया रो 100 वर्ष होगा, यह पूर्व जेन्ट्स माने थिले, वर्तमान 100 वर्ष पर जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया रो प्रथम महिला डायरेक्टर हेले धृति बानर्जी। एग्जाम पर इंपोर्टेंट रहिबो। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज ओन सिल्वर फॉर इंडिया इन द मेन्स 57 kg फ्री स्टाइल कैटेगरी रेसलिंग एट टोक्यो ओलंपिक्स। तो रिसेंटली टोक्यो ओलंपिक्स 2020 कंटिन्यू रही, तो टोक्यो ओलंपिक्स 2020 रे रेसलिंग रे 57 kg फ्री स्टाइल कैटेगरी रे पुरुष वर्ग रे किए सिल्वर मेडल जीति, इंडिया रो किए सिल्वर मेडल जीति। तो ये करेक्ट आंसर होची रवि कुमार डाहिया। एग्जाम पे मोस्ट इंपोर्टेंट रहबो, टोक्यो ओलंपिक्स उपरे निहाती भाबे क्वेश्चन आपन माने आसीबो। तो सेथिबे मु टोक्यो ओलंपिक्स कंप्लीट हला परे तापरे कंप्लीटली गोटे वीडियो बनेबी, सेथिरे समस्त क्वेश्चन टोक्यो ओलंपिक्स 2020 उपरे रहिबो। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज बीन रोप्ड इन एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ मोटो जीपी इंडिया। तो मोटो जीपी इंडिया रो ब्रांड एम्बेसडर किए नियुक्ति हेले, एमएस धोनी, शाहरुख खान, जॉन अब्राहम, रणबीर कपूर। तो ये करेक्ट आंसर होची जॉन अब्राहम रिसेंटली मोटो जीपी इंडिया रो ब्रांड एम्बेसडर बनी छंती। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज ओन द फर्स्ट गोल्ड मेडल फॉर इंडिया एट द टोक्यो ओलंपिक्स 2020। एग्जाम पाई मोस्ट इंपोर्टेंट रहिबो ए क्वेश्चन। तो देखो 2020 टोक्यो ओलंपिक्स रे भारत पाई प्रथम गोल्ड मेडल, प्रथम स्वर्ण पदक हासिल करिसेंती किए। तो ये करेक्ट आंसर होची नीरज चोप्रा। नीरज चोप्रा जने जाभलिन थ्रोर, से जने जाभलिन थ्रोर, से जने आथलेट, से हरियाणा रो पानीपत रु बिलोंग करछन्ती। एग्जाम रे मे बी आसी पारे नीरज चोप्रा बिलोंग्स टू विच स्टेट, तो को स्टेट से बिलोंग करछन्ती, से हरियाणा रो पानीपत रु बिलोंग करछन्ती, से हरियाणा राज्य रु बिलोंग करछन्ती। आउ से जने आथलेट, से कोन करछन ना, से जने जाभलिन थ्रोर से वर्तमान स्वर्ण पदक हासिल करछन्ती। एग्जाम पई मोस्ट इंपोर्टेंट रहिबो। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द राइटर ऑफ द बुक टाइटल इन एन आइडियल वर्ल्ड। तो रिसेंटली गोटे पुस्तक लिखा जाए इन एन आइडियल वर्ल्ड, तो यही पुस्तकर रचयिता किए, तार लेखक किए। तो करेक्ट आंसर होची ऑप्शन नंबर ए, कुणाल बासु। नेक्स्ट क्वेश्चन, निकोल पासनियान हैज बीन रीअपॉइंटेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ व्हिच कंट्री। तो रिसेंटली निकोल पासनियान क्यों देशर प्रधानमंत्री रूपे पुनः नियुक्ति पाई। तो ये करेक्ट आंसर होची आर्मेनिया। तो रिसेंटली आर्मेनिया प्रधानमंत्री रूपे प्राइम मिनिस्टर रूपे पुनः नियुक्ति पाई निकोल पासनियान। तो आर्मेनिया विषय किसी एक्स्ट्रा पॉइंट जाने रखु, तो आर्मेनियार कैपिटल होची येरेवान। येरेवान तार प्राइम मिनिस्टर वर्तमान निकोल पासनियान, आ तार करेन्सी होची आर्मेनियन ड्राम। आर्मेनियन ड्राम एग्जाम पाई मे बी इंपोर्टेंट रहिबो, काहेकि आप आरआई एसआई एग्जाम करेन्सी पचारे प्राइम मिनिस्टर पचारे, तो एग्जाम इंपोर्टेंट रहिबो। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज ओन द टाइटल ऑफ फिडे वर्ल्ड कप 2021। तो रिसेंटली फिडे वर्ल्ड कप 2021 जहाँ कि आमर चेस खेल सहित संपर्कित, तो फिडे वर्ल्ड कप 2021 रो विनर किए से पचार। तो ये करेक्ट आंसर होची ऑप्शन नंबर डी, जान क्रिस्टोफ डुडा। जान क्रिस्टोफ डुडा रिसेंटली 2021 फिडे चेस वर्ल्ड कप रो टाइटल विनर। एग्जाम पाई मोस्ट इंपोर्टेंट रहिबो। नेक्स्ट क्वेश्चन, इब्राहिम राइसी सोन इन एज द प्रेसिडेंट ऑफ व्हिच कंट्री। तो ये कौन कह इब्राहिम राइसी रिसेंटली क्यों देशर राष्ट्रपति रूपे शपथ ग्रहण करिसंती। तो ये करेक्ट आंसर होची ईरान।
ଇରାନର ନୂଆ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ରୂପେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ଇବ୍ରାହିମ ରାଇସି। ତ ଇରାନ ବିଷୟରେ କିଛି ଏକ୍ସଟ୍ରା ପଏଣ୍ଟ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ। ଇରାନର କ୍ୟାପିଟାଲ ହେଉଛି ତେହେରାନ, ତାର କରେନ୍ସି ହେଉଛି ଇରାନିଆନ ରିଆଲ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଇବ୍ରାହିମ ରାଇସି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ହୁ ଓନ୍ ଭାରତ କେଶରୀ ରେସଲିଂ ଡଙ୍ଗଲ 2021। ତ ରିସେଣ୍ଟଲି କିଏ 2021ର ଭାରତ କେଶରୀ ରେସଲିଂ ଡଙ୍ଗଲର ୱିନର? ତ ଏଇଠି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଲାଭାଂଶୁ ଶର୍ମା। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଭାରତ କେଶରୀ ରେସଲିଂ ଡଙ୍ଗଲ 2021 କେଉଁଠି ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା? ତାମିଲନାଡ଼ୁରେ କଣ୍ଡକ୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା। ତାମିଲନାଡ଼ୁରେ ଆୟୋଜିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଏଥିରେ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡର ରେସଲର ଲାଭାଂଶୁ ଶର୍ମା ୱିନର ବନିଛନ୍ତି। ଭାରତ କେଶରୀ ରେସଲିଂ ଡଙ୍ଗଲ 2021ର ୱିନର ହେଉଛନ୍ତି ଲାଭାଂଶୁ ଶର୍ମା। ସେ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡରୁ ବିଲଙ୍ଗ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ଭାରତ କେଶରୀ ରେସଲିଂ ଡଙ୍ଗଲ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା ତାମିଲନାଡ଼ୁରେ। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ନେମ୍ ଦ ଚେୟାରପର୍ସନ୍ ଅଫ୍ ଦ ନ୍ୟାସନାଲ କମିଶନ ଫର ଓମେନ୍ ହୁ ହାଜ୍ ବିନ୍ ଗିଭେନ୍ 3 ଇୟର୍ସ ଏକ୍ସଟେନ୍ସନ୍। ତ ସେ କ'ଣ କହିଛି ନା, ଯେ ଆମର ଯେଉଁ NCW ରହିଛି, NCW ନ୍ୟାସନାଲ କମିଶନ ଫର ଓମେନ୍, ତ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ମହିଳା ଆୟୋଗର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ କିଏ ଯାହାର କାର୍ଯ୍ୟକାଳକୁ 3 ବର୍ଷ ବୃଦ୍ଧି କରାଗଲା? ତ ଏଇଠି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ରେଖା ଶର୍ମା। ରେଖା ଶର୍ମା ଥିଲେ ଆମର NCW ଚେୟାରପର୍ସନ, ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ମହିଳା ଆୟୋଗର ଚେୟାରପର୍ସନ ହେଉଛନ୍ତି ରେଖା ଶର୍ମା। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ଶେଷ ହେଉଥିଲା ବା ସମାପ୍ତ ହେଉଥିଲା, ତ ସେଇଟାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ 3 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଏକ୍ସଟେନ୍ସନ୍ କରାଯାଇଛି। ମାନେ ସେ 2024 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଯେଉଁ NCW ଚେୟାରପର୍ସନ ରହିବେ। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଆଜିର ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 11, ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ରେସଲର ବଜରଙ୍ଗ ପୁନିଆ ଓନ୍ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ମେଡାଲ ଏଟ୍ ଦ ଟୋକିଓ ଅଲମ୍ପିକ୍ସ 2020 ଇନ୍ ମେନ୍ସ ୱିଚ୍ କେଜି କାଟେଗୋରୀ। ତ ଆମର ଭାରତୀୟ ରେସଲର କୁସ୍ତି ଯୋଦ୍ଧା ବଜରଙ୍ଗ ପୁନିଆ, ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଭାରତର ରେସଲର ବା କୁସ୍ତି ଯୋଦ୍ଧା ବଜରଙ୍ଗ ପୁନିଆ, ସେ ଟୋକିଓ ଅଲମ୍ପିକ୍ସ 2020ରେ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ମେଡାଲ ଜିତିଛନ୍ତି। ତ ସେ କେତେ କ୍ୟାଟେଗୋରିରେ, ସେ ତାଙ୍କର କେତେ କେଜି କ୍ୟାଟେଗୋରିରେ ସେଇ ଯେଉଁ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ମେଡାଲ ଜିତିଛନ୍ତି? ତ ଏଇଠି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି 65 କେଜି। 65 କେଜି କ୍ୟାଟେଗୋରିରେ ବଜରଙ୍ଗ ପୁନିଆ ଇଣ୍ଡିଆ ତରଫରୁ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ମେଡାଲ ଜିତିଛନ୍ତି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏ ଥିଲା ଆଜିର ଟପ୍ 11 କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର୍ସ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ କୁଇଜ୍ ରହିଛି, ତାର ଆନ୍ସର କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିହାତି ଭାବେ ଜଣାଇବେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରହିଛି, ଆଜିର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଟୁଡେ ଆପଣମାନଙ୍କ ହୋମୱାର୍କ ରହିଛି, ଯେ ହ୍ୱିଚ୍ ଟିମ୍ ହ୍ୟାଜ୍ ଓନ୍ ଦ 2021 କୋପା ଆମେରିକା ଟାଇଟଲ। 2021ର କୋପା ଆମେରିକା ଟାଇଟଲର ବିଜେତା କିଏ? କ'ଣ ହେବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିହାତି ଭାବେ ଜଣାଇବେ। ହଁ, ଆଉ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ କହି ରଖୁଛି, ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇ ବର୍ଷ 2021ର ଜାନୁଆରୀ ଟୁ ଜୁଲାଇ ମଧ୍ୟରେ ଘଟିଥିବା ଟପ୍ 50 ସୁପର 50 କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର୍ସର ମ୍ୟାରାଥନ୍ କ୍ଲାସ୍ ମୁଁ ଅପଲୋଡ଼ କରିଛି। ଆପଣମାନେ 8:30 ଆପଣ ଜଏନ୍ କରନ୍ତୁ, ଏବଂ ଆପଣମାନେ କେତେ ମାର୍କ ରଖୁଛନ୍ତି 50ରୁ, ଏଥିରେ 50 କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରହିଛି। ତ 8:30 ଟାଇମିଂ ରହିଛି, 8:30 ଆଉ 50ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରହୁଛି। ଆପଣ 50ରୁ କେତେ ମାର୍କ ରଖୁଛନ୍ତି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିହାତି ଭାବେ ଜଣାଇବ, କାହିଁକିନା ମୁଁ ସିଲେକ୍ଟେଡ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ 50 କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନେଇଛି, ଯାହାକି ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିବ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ୍, ଜୟ ହିନ୍ଦ୍, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।